तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि दो हजार रुपये के नोट विल बी विड्रॉन एंड इज द लास्ट डेट टू डिपॉजिट और एक्सचेंज और वॉट नॉट सो इन दिस रिगार्ड द गवर्नर ऑफ दर बी आई हेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड आंसर्स उड़ी बाबा चलो देखते एक हैं एक तरफ आप कर रहे हैं करेंसी सर्कुलेशन से विड्रॉ कर रहे हैं दूसरी तरफ आप रहे हैं कि लीगल टेंडर रहेगा लोग ये कह रहे हैं कि जब सर्कुलेशन से विड्रॉ कर रहे हैं हम उससे खरीदारी कर नहीं सकते तो लीगल टेंडर रहने का मतलब क्या हो that, नहीं खरीदारी क्यों नहीं कर सकते हैं no but then others हाँ जब uh, yes please Just Just think so what is happening sir is no no I have read the newspaper Some the newspaper and why would you ask a, a reporter and then cut her short did he not understand the question or did he jump the gun of course खरीदारी nahi kar sakte. जब देने वाले को पता है कि 2000 will not be legal tender और लेने वाले को भी पता है कि it will not be legal tender तो वो लेगा ही क्यों I mean, उसको भी तो एक्सचेंज द डे वैसे मैं आपको एक बात बताऊं। पहले से भी कई छोटे छोटे दुकान लोग हैं उनका भी यही एक्सपीरियंस है वो जब 2000 की नोट लेके जाते हैं कोई फ्रूट शॉप कोई ठेले वाले के पास कोई छोटे दुकान वो कहता है कि सर मेरे पास चेंज नहीं है ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है सो दिस मीन्स दैट इंट्रोड्यूसिंग दीज हायर डिनोमिनेशन नोट एक्चुअली डिड नथिंग फॉर कॉमन मैन एंड द इकोमी राइट इस स्टेटमेंट से तो यही लग रहा है छोटे मर्चेंट्स पहले भी नहीं लेते थे और अब भी नहीं लेंगे तो जो हमने देश के रिसोर्सेज नए नोट प्रिंट करने में लगाए हैं वो सब वेस्ट है सर सर गलती से मिस्टेक हो गया नोटिफिकेशन में हमने हमने कहा है इट कंटिन्यूज एज लीगल टेंडर तो कहीं पे नहीं कहा उसके आगे तो और कुछ नहीं कहा देखो भाई हमने तो बोल दिया कि इट कंटिन्यूज टू बी लीगल टेंडर अब इकोनमी के साथ या आम आदमी के साथ जो होगा देख लेना भगवान भरोसे हमने तो कह दिया देख हमने तो कह दिया कि हम आपके साथ हैं क्या होगा हमने तो ऐसा नहीं कहा कि लीगल टेंडर जो है वो सिर्फ थर्टीएथ सेप्टेंबर तक है ऐसा तो नहीं कहा है अभी थर्टियथ सेप्टेंबर तक वेट करेंगे फिर डिसाइड करेंगे कि लीगल टेंडर है या नहीं थोड़ा सा ट्रायल लग रहा है यहां पर फिर से देश के रिसोर्सेज एंड टाइम इस एक्सरसाइज में वेस्ट होगा बेचारे बैंक वाले इंप्लॉयिज और वर्क लोड लेंगे जनता और खज्जल होगी आपका क्या है हजूर आपके तो बैक यार्ड में नोट छापने की मशीन लगी हुई है ताजा ताजा गर्म नोट मिल जाते होंगे no be... नहीं देखिए हमने ये कहा है बैंकों में करेंसी नोट्स एक्सचेंज करना हो या अकाउंट में डिपॉजिट करना हो कैश में हमने ये कहा है जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है आप उसको फॉलो करिए दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली हाउ विल यू ट्रैक कि कौन सा ब्लैक मनी है और कौन सा वाइट सो देर इज नो अकाउंटेबिलिटी ऑन हु इज एक्सचेंजिंग वॉट आप दस नोट एक्सचेंज कर सकते हैं विदाउट एनी पेपर वर्क और आइडेंटिफिकेशन सो डज दिस मीन दैट दिस स्टेप इज नॉट टू एक्सपोज और रिकवर ब्लैक मनी लगता तो ऐसा ही है One more thing, this by the way is not consistent. People are reporting that a few banks are asking for KYC documents, whereas the RBI has not mandated that. So example, just black money hai, and if they have the human resources, then they can actually use their employees or contacts to fool the system. Let's say someone has 5 lakhs in 2000 rupee denomination. This comes out to 250 notes नाउ ईदर यू नीड ट्वेंटी फाइव इंडिविजुअल्स टू एक्सचेंज दिस फॉर यू इंक्लूडिंग योर सेल्फ या फिर आप पच्चीस बारी बैंक ब्रांच जा सकते हैं टू एक्सचेंज एंड इफ यू मिक्स इन द वेरिएबल ऑफ विजिटिंग डिफरेंट ब्रांचेस विद इन योर सिटी और एडजॉइनिंग प्लेसेस तो और भी बढ़िया पचास नोट्स एक बैंक की अलग अलग पांच ब्रांचेस से करवा लिए सौ किसी और बैंक की दस ब्रांचेस से एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ इज दिस पॉसिबल इफ इट इज Why, why even carry out this exercise according to section 27 of the rbi act the reserve bank is required to uh, required to uh, not issue notes which are excessively soiled defaced or damaged under that section for a long time the reserve bank has been following what is called a clean note policy therefore from time to time reserve bank withdraws currency notes of particular series and issues fresh notes a core statement da that this is according to section 27 of the RBA act which deals with spoiled or torn notes and that the rbi is following the clean note policy oh, what a joke yaar <laughs> abhi bhi purane 100 ke, 10 ke, 20 ke, 50 ke notes chal rahe if it is the latter then what is the percentage of the spoiled notes is it higher than the notes which are acceptable and not spoiled did the entire 2000 rupee note series get spoiled all of a sudden इज देर लाइक अ किड समवेयर इन इंडिया ड्राॅइंग ऑन दीज नोट्स तो उसे रोको ना यार पूरे देश को क्यों काम पर लगा दिया वट डू यू गाइज थिंक क्या ये सही स्टेप है इकोनोमिक्स की प्रोडिक्शन है दिस स्टेप विल नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी सो नॉट श्योर वॉट द गेम प्लान इज हेयर वेन देर इज नो अकाउंटेबिलिटी इन एक्सचेंजिंग नोट्स और जब थी भी याद है पिछली डिमोनेटाइजेशन में कितने फ्रॉड सामने आए थे बैंकस के एंड ब्रांच मैनेजर्स के तो अब तो कोई पेपर वर्क या अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है वोट दी चलो आज के लिए इतना ही यू नो वॉट टू डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एनेबल नोटिफिकेशन जैसे मन हो यार चिल बाय बाय